हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स पॉसिबल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की मनुश्री छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 बन गई है। मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आज हम मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मानुश्री छिल्लर के बारे में आपको ये बता दूं कि ये खिताब जीतने वाली छठी भारतीय सुंदरी है। चीन के सनाया सिटी एरेना में आयोजित प्रतियोगिता में मानुश्री ने 118 अन्य कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ कर ये टाइटल जीता है। और इसी के साथ आपको ये जानकारी दे दूं कि जो फर्स्ट रनर अप रही थी वो मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा रही थी, और जो सेकेंड रनर अप का टाइटल जीता था वो मिस इंग्लैंड स्टेफनी हील ने जीता था। साथ ही 2016 की कंपटीशन मिस वर्ल्ड कंपटीशन में जिन्होंने ये टाइटल जीता था वो थी स्टेफनी डेल वैली। 1966 तक कोई भी एशियन महिला ने मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं जीता था। 1966 में पहली बार मेडिकल फाइनल ईयर की स्टूडेंट रही रीता फारिया भारत से मिस वर्ल्ड बनी थी। उसके बाद जो भारत से मिस वर्ल्ड बने थे उनके नाम है ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, और प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। और दोस्तों, आपको ये जानकारी और भी बता दूं कि भारत और वेनेजुएला दो ही ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने 6 बार मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंट्री है, इंडिया एंड वेनेजुएला, जिन्होंने 6 बार ये टाइटल जीता है। मेडिकल स्टूडेंट मानुश्री हेड टू हेड चैलेंज और ब्यूटी विद पर्पस सेगमेंट दोनों में अव्वल रही है। और इसी के साथ उन्होंने एक प्रोजेक्ट शक्ति के नाम से मासिक पहल की है, जिसके माध्यम से वह मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट शक्ति। इसके पहले 25 जून 2017 को उन्होंने फेमिना मिस इंडिया से भी नवाजा गया था। उनसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की दुनिया में किस पेशे की सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और क्यों। मानुश्री ने इसका बेहद खूबसूरत सा जवाब दिया था जो कि जजेस के साथ पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को छू गया था। उन्होंने कहा था कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि माँ होने की जॉब सबसे बेहतरीन है। बात केवल पैसे की नहीं है बल्कि प्यार और सम्मान के लिहाज से कोई भी माँ सबसे ज्यादा वेतन की हकदार होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल इट्स पॉसिबल।